एक मेरा विल पावर और दूसरा फैमिली सपोर्ट, इन दोनों में से एक भी कम होता तो शायद मैं खेल नहीं पाती। मेरा इंटरनेशनल डेब्यू जनवरी 2011 में था और मेरी शादी फरवरी 2011 में हुई। आफ्टर 3 ईयर्स मुझे ऐसा लगने लगा और थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी था मेरे ऊपर कि जो भी मेरे साथ में जिनकी शादी हुई थी उनको बेबी हो चुके थे। मुझे लगता है कि चॉइस है एक टाइम पे, ये चीज़ ऐसी है कि मदरहुड भी बहुत ज़रूरी है किसी लेडी के लिए। 14 फरवरी 2014 में फिरोजशाह कोटला में लास्ट मैच था हमारा। मुझे पता था कि मैं लास्ट मैच है मेरा, इसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ दूँ, तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था और थोड़े मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था उस टाइम मुझे, मैं क्रिकेट को इतना मिस करती थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे मैं क्रिकेट से दूर हूँ। मैं मैचेस देखती थी, क्रिकेट मैचेस में देखती थी, उसमें प्लेयर्स में इतना जोश था मैचेस को लेकर, तो मुझे अपनी याद आती थी कि जब मैं फील्ड पर होती हूँ तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है अपने लिए कि अगर सारी बॉलें, अगर मैं फील्डिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सारी बॉलें मेरे पास ही आ रही है, मैं इतना रेडी रहती हूँ हर बॉल के लिए। उस टाइम पर मेरे इन-लॉज ने मेरे को काफ़ी हेल्प की, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की, तो उनके हेल्प के बिना तो मैं खेल ही नहीं पाती। फीमेल क्रिकेटर को एक बेबी बॉर्न कर रही है तो उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, वो मेल क्रिकेटर को तो ऐसा कुछ नहीं है फिजिकली और किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना अटैचमेंट होता है। ऑब्वियसली सीजेरियन डिलीवरी थी तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, वॉक भी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब मैंने बैट उठाया, मैं बैटिंग करने लगी तो मुझसे बॉल भी टच नहीं हो रही थी बैट से, तब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से फील हो गई कि मेरे लिए वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया तो धीरे धीरे मेरा वेट फिर कम होने लग गया, मैंने 20 kg लॉस किया। मैं इंटरनेशनल टीम में कमबैक करना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत पहले से सोच रही हूँ लेकिन अभी तक कर नहीं पाई हूँ। और एक मेरा हमेशा से ही ड्रीम रहा है कि मैं लॉर्ड्स में मैच खेलूँ, जो मैंने अभी तक खेला नहीं है, तो मैं वो खेलना चाहूँगी। एक गलत मूव और मेरा ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकता। कुछ अचीव करने के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ते। Eu sempre surfei junto com os meninos e o meu foco era surfar como homem.